गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का अर्थ मैंने बताया था कि सर्व यानी सभी, नाम यानी कि नाम वाले शब्द। सभी नाम वाले शब्द यानी कि जो संज्ञा शब्द है सभी, उनकी जगह हमने किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि संज्ञा शब्द बताया मैंने, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी अन्य नाम हमने लिया, किसी स्थान का ले लिया, किसी प्राणी का ले लिया, किसी व्यक्ति का ले लिया, किसी वस्तु का ले लिया, उसकी जगह मैंने किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया, जो कि मैं, तुम, हम, मैंने, उसने, तुमने, आपने, मुझसे, उनका, मुझ पर, हम से, उसे, उसको, उन्हें, मेरा, मेरी, उसका, किसने आदि, और भी है, यह, वह, वे, ये, काफ़ी सर्वनाम शब्द हैं। यदि हम उस संज्ञा की जगह उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं अपने वाक्य के अनुकूल, जो हमारे वाक्य है उसके अनुकूल, उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर उसी शब्द का प्रयोग करना होता है जो हमारे वाक्य के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, उसका प्रयोग करते हैं तो वह हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पे काफ़ी सर्वनाम लिख रखे हैं, मैं, तुम, हम, मैंने, उसने, तुमने, ये काफ़ी सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब है कि सर्वनाम तो हमने पढ़े, लेकिन इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी अभी क्लास है, क्लास थर्ड, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वह अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स, सेवन्थ, एट आगे में जाएंगे, तो आप सर्वनाम का काफ़ी ब्रीफ रूप, बहुत ब्रीफ रूप नहीं पढ़कर क्या करेंगे, आप इसको विस्तार से समझेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको पूरा बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि सर्वनाम के भेद भी होते हैं, और उन भेद में से उनके किस प्रकार हम उन भेदों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन शॉर्ट में आपको, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखिए सर्वनाम के भेद को मैं आपको एक सबसे पहले सर्वनाम का भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको सिर्फ नाम तक ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना लंबा इसका विवरण, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें भी इसके 3 भेद बताए गए जिन्हें आप हायर क्लासेस में, बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। सिर्फ जानकारी के लिए आपको समझना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें मैं, जो कि आपसे किसी भाषा को बोलकर समझा रही हूँ, यानी कि मैं बोलने वाली हो गई उत्तम पुरुष, आप मेरी बात को समझ रहे हैं इसलिए आप हो गए मध्यम पुरुष, और मैं आपके सामने किसी अन्य, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ
तो मैं वह जिसके बारे में बात कर रही हूँ वह हो गया अन्य पुरुष, वह क्या हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, दूसरे सर्वनाम का हम भेद देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम के साथ ही अर्थ पता चल जाए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, जिनके द्वारा हम कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, क्या पढ़ते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ में क्या बताया होता है? संबंध बताया हुआ होता है। एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से क्या बताया हुआ होता है? संबंध बताया हुआ होता है, और वही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, क्या देखते हैं? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें उसके स्वयं के बारे में जानकारी मिलती है वही हमारा कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है वह हमारा? निजवाचक सर्वनाम, कि जिसमें हमने कोई काम किया उसके बारे में जानकारी मिलना, हमने कोई काम किया है तो वह काम हमने खुद ने अपने हाथों से किया, अपने स्वयं के लिए किया, हमने स्वयं अपने आप किया, तो वह हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। नंबर पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, और लास्ट में आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप इसको शॉर्ट टिक बना के भी याद कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्रम से भी याद सकते हैं। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद आ रहा है, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, इस तरीके से 6 भेद आपको सिर्फ नाम याद में रखने हैं। आपका इतना ही है। पुरुष में किसी पुरुष के बारे में, उत्तम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष हो सकता है, अन्य पुरुष हो सकता है। प्रश्नवाचक में हम इसमें प्रश्न पूछ कर जानकारी लेते हैं। संबंध में एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जाता है। निजवाचक में हम जो व्यक्ति काम करते हैं, जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि कोई जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी का बोध होता है वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिसके बारे में हमें किसी निश्चित वस्तु का, व्यक्ति का बोध नहीं होता वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको याद करना है। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम उसके रूप होते हैं। कैसा रूप होता है? एकवचन और बहुवचन रूप। कैसा रूप होता है? एकवचन या बहुवचन रूप सर्वनाम का रूप होता है। तो उसमें हम देखते हैं एकवचन रूप और बहुवचन रूप, किस तरीके से हम उसका एकवचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। यदि एकवचन में मैं बोलती हूँ मैं, बोलने वाली कौन हूँ? मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? एकवचन हूँ। मैं क्या हूँ? एकवचन हूँ। लेकिन इसका बहुवचन रूप क्या बन जाएगा? हम बन जाएगा। एक वचन में हम लिखते हैं तुम, तो इसका बहुवचन रूप क्या बन जाता है? आप। एक वचन रूप में हम बोलते हैं यह, बहुवचन रूप में आ जाता है ये। एक वचन रूप में हम बोलते हैं वह, बहुवचन रूप में आ जाता है वे।
एकवचन रूप में हम बोलते हैं, इसे बहुवचन रूप में आ जाता है इन्हें, क्या आ जाता है इन्हें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बता रही हूँ, राइट डाउन ऑल स्टूडेंट्स, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एकवचन में मैंने आपको बताया मैं और हम, एकवचन में मैंने आपको बताया तुम, तुम का बहुवचन हो गया आप। एकवचन में मैं आपको अगेन यहाँ लिख रही हूँ, यह एकवचन में मैंने लिखा यह, बहुवचन में हो गया आपका ये, बहुवचन में क्या हो गया ये। एकवचन में मैंने लिखा वह, बहुवचन में हो गया वे। एकवचन में मैंने लिखा इसे, बहुवचन में हो गया इन्हें। एकवचन में मैंने लिखा उसे, बहुवचन में हो गया उन्हें। तो कई बार इन एकवचन बहुवचन वन से हम क्या करते हैं, हमारे वाक्य में परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं कि मैं आपको समझा रही हूँ, हम आपको समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, इस तरीके से हम एकवचन से बहुवचन में इनका क्या करते हैं, इनके रूप का परिवर्तन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सर्वनाम शब्द का अर्थ, सर्वनाम यानी कि सभी का नाम, सर्वनाम की परिभाषा, वे संज्ञा शब्द जो, या वे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं, तो यह, वह, वे, इन्हें, आपको, उसे, तुम, मेरा, काफ़ी सारे उदाहरण हैं, वो उदाहरण आपको याद करने हैं। शॉर्ट रूप में आपको सर्वनाम के 6 भेद याद करने हैं, नाम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इनका एक वचन से बहुवचन आपको याद करना है, और आपका जितना भी प्रैक्टिस वर्क है वो आपको अपनी बुक में प्रैक्टिस करनी है, उसे फिल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।